दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में बंद हैं और उनको टाइप 2 की बीमारी है, डायबिटीज़ की। तमाम वहाँ पे कैदी हैं, इनसे ज़्यादा बहुत सीरियस और इनसे ज़्यादा योग्य, परंतु उनकी वाइफ ने स्पेशल परमिशन मांगी थी कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से स्पेशली उनको बोर्ड में रखा जाए, बोर्ड में रखा जाए और किसमें, एम्स के पैनल पे, और इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की। राउज एवेन्यू कोर्ट में ऑनरेबल जज बबेजा जी ने आदेश दिया कि पैनल पे, बोर्ड पे कतई भी इनको अनुमति नहीं दी जाएगी इनकी याचिका उस मामले पे, इनकी सुनवाई पे, और इनकी जो ये डिमांड थी उसको खारिज कर दिया कि बोर्ड पे इनको स्पेशल रूप से रखा जाए। उन्होंने ये अनुमति जरूर दी कि वहाँ का जितना भी रिकॉर्ड है, एम्स का, मेडिकल का, जेल का, सब कुछ साझा किया जाएगा सुनीता केजरीवाल के साथ। वो पहले से भी साझा हो रहा था, जेल ऑलरेडी इनको, इनसे एडवाइस लेता था, इनसे पूछता था सारी कुछ व्यवस्था, और व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से मिल सकती, मगर स्पेशली रूप से इनको उस बोर्ड के पैनल पे नहीं रखा जा सकता। ताजुब ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, परंतु ये स्पेशली चूँकि ये सबसे सुपर समझ रही हैं अपने को और सबसे सुपर उनको, कि इनके लिए स्पेशली, जबकि ऐसा जेल मैनुअल पे नहीं है। तमाम वहाँ पे टाइप 2 के मरीज हैं, इनसे सीरियस, उनके लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, परंतु ये अपने लिए स्पेशल, चूँकि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी अपने को सुपर समझते हैं हर चीज़ में, अदालत से ऊपर, जेल से ऊपर, कोर्ट से ऊपर, हर चीज़ में आप समझ लीजिए सुपर स्पेशलिटीज। अब देखिए, तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल जी, जेल में ऑलरेडी अस्पताल है, एम्स का पैनल जांच कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, जेल के अस्पताल में बहुत सुविधाएं होती हैं, जेल का अस्पताल बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हीं के अंडर में जेल प्रशासन है, इन्हीं के अंडर में केजरीवाल जी पे। और आप समझ लीजिए, खुद केजरीवाल कहते थे जेल जाने से पहले कि बहुत अच्छा इंतज़ाम, वहाँ सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। इन्हीं का जो दूसरा साथी है सत्येन जैन, वहाँ मालिश करवाता, बहुत लग्जरी उस पर रहता, सभी लोग लग्जरी पे रहते। ये वहाँ से अरविंद केजरीवाल वहाँ से कैबिनेट मीटिंग और पूरी विधानसभा वहाँ से संचालन के लिए भी परमिशन मांग रहे थे, आज तक किसी ने नहीं मांगी। अब ये साथ में मेडिकल बोर्ड के लिए मांग रही थी, कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनके चिकित्सा परामर्श में शामिल करने की याचिका खारिज कर दी गई। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि सुनीता केजरीवाल को उपचार के बारे में जानकारी लेने के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, उपस्थित रहना चाहिए, जाना चाहिए, उसके लिए कोर्ट भी परमिट करता है और ऑलरेडी जेल भी करता, मगर ये मेन चीज़ जैन साहब बहुत स्टाइल से कह रहे हैं, ये एम्स के पैनल पे चाह रहे हैं, ताकि पैनल पे रह करके कुछ ये प्रोपोगंडा कर सके, पब्लिसिटी कर सके, अपना प्रचार कर सके, चूँकि सरकार के पास काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ प्रोपोगंडा प्रचार ही कर रही पब्लिसिटी। अब देखिए, एम्स जो है वहाँ पे ये ट्रीटमेंट के लिए वहाँ के टॉप के डॉक्टर आ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान, सुनीता केजरीवाल जी ने तब ये एप्लीकेशन दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने की मांग की है। किसने, सुनीता केजरीवाल जी के। और बंद कौन है शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल जी, स्पेशल इनको परमिशन हो। अब आप देखिए कि मेडिकल क्षेत्र के इनको कोई नॉलेज नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, परंतु ये अपने को सबसे सीनियर, सबसे हाईली क्वालिफाइड, हर जगह दखलंदाजी, 60 करोड़ के बंगले में रह रही हैं जिसका रिनोवेशन हुआ, सारी सुविधाएं, जेल में भी सारी सुविधाएं, तो कुल मिलाकर के ये अपने लिए एक गलत ढंग का मिसाल पेश कर रहे थे।
कोर्ट ने भी हल्का सा इशारा आज दे दिया। अब देखिए, इस आवेदन का प्रवर्तन निदेशालय और तिहाड़ जेल की ओर से पेश हुए वकील अभिजीत शंकर ने विरोध किया। शंकर ने दलील दी कि कई कैदी टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो कि केजरीवाल की बीमारी जैसी ही है, उन्हें तरजीह देना न्याय संगत नहीं है। ऑलरेडी जेल ने समझाया, जेल के डॉक्टर ने समझाया था, जेल का जो लीगल सेल उसने भी समझाया था, जेल के मेडिकल बोर्ड ने समझाया था, भाई आपको सारी सुविधाएं आप जैसा कहिए वैसा हम कॉपरेट करेंगे, और कॉपरेट कर रहे थे। अब देखिए, आप केजरीवाल जी की फ़ोटो देख सकते हैं, पहले इनकी क्या पोजिशन थी, मफलर लगाए रहते थे, चेहरा देखिए, और इन्हेलर लेते रहते थे। अब जब से मुख्यमंत्री बने, अब देखिए कितनी कितनी अच्छी तंदुरुस्ती हो गई। अभी आप इनको देख रहे होंगे, जब रैली पे थे कितनी अच्छी तंदुरुस्ती थी, 47 डिग्री के टेम्परेचर पे ये अपना रैली कर रहे थे, पैदल चल रहे थे और मंचों को संबोधित कर रहे थे। परंतु जब पैरोल पे आए तो जेल जाने से पहले क्या कहते हैं, हमको कैंसर की बीमारी हो सकती, हमको और टाइम दिया जाए। साथ में आतिशी मार लेना बहुत उससे कहते हैं कि नहीं, वो 10 के बाद जाएंगे, ये भी आतिशी मार लेना जी कहती, जबकि इन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना था। कुल मिलाकर के ये न्याय क्षेत्र पे और उनकी भी बात नहीं मानते हैं, मेडिकल उसकी बात नहीं मानते, अपने मंत्रिमंडल की बात नहीं मानते, अपने जनता की बात नहीं मानते, अन्ना की बात नहीं मानते हैं, किरण बेदी जैसी सीनियर IPS की बात नहीं मानती, जो पहली IPS थी, बहुत योग्य थी इनसे, उनकी बात नहीं, थल सेना अध्यक्ष की बात नहीं मानते, ये सिर्फ किसकी बात मानते हैं, सिर्फ सुनीता केजरीवाल जी की। उन्हीं को सब फायदा हो रहा है, जितना है 60 करोड़ का रिनोवेशन, वहीं पे जाकर उन्हीं के यहाँ उनका बंगला उद्धार हुआ। अब देखिए, एम्स जो है ये साउथ एशिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, कई देशों के लोग आकर के यहाँ पर तरसते हैं इलाज कराने के, पूरे अमेरिका में, पूरे रशिया में, पूरे यूरोप में, पूरे यूक्रेन में, इंग्लैंड में, तमाम जगह, ऑस्ट्रेलिया में, यहीं के डॉक्टर, भारत के डॉक्टर एम्स से रिलेटेड, उन जगह डिमांड है। आज दुनिया झुकती है, अमेरिका भी जानती है कि अगर इनके डॉक्टरों ने ज़रा सा हमसे नाराज़ हो गए तो वहाँ का ट्रीटमेंट प्रभावित हो जाएगा। पूरे दुनिया को कोरोना के दौरान टीका देने वाला देश, मेडिकल में बहुत आगे, उनका पैनल कर रहा, वहाँ के समकक्ष सोच रही है अपने को सुनीता जी। यही नहीं, आज आप समझ लीजिए, इनको तब बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई जब आप समझ लीजिए कि ये संजय सिंह भी को निजी अस्पताल में एक हेल्पर के लिए अलाउ हुआ था। ये एग्जाम्पल इनके लिए था, इनके लिए स्पष्ट हो गया कि वो आदेश जो था वो संजय सिंह के लिए था, इनके लिए संभव नहीं है, उस मामले में मिसाल नहीं हो सकती, मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब इनका गुनाह जो है बड़ा गुनाह है, अरविंद केजरीवाल जी, सुनीता जी के हस्बैंड का बड़ा गुनाह, और ये गुनहगार को जो शराब माफिया शराब के गुनह में बंद हैं, इतने प्रूफ मिले हैं, उनकी पैरवी कर रही है कौन, सुनीता जी। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, 3 जुलाई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था मानवीय आधार पे, और मानवीय आधार पे इन्होंने दायर किया था, मानवीय आधार रख लिया और फैसला अब दिया। 2018 के जेल नियमों के हिसाब से 479 सी के हिसाब से तिहाड़ जेल का कानून में ये है कि वो बाहर तो कोई आपको कोई हेल्पर दे हेल्पर आपके घर का यूज़ कर सकते हैं, परंतु अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ जेल में ऑलरेडी हेल्पर रहते हैं, एक से अच्छे डॉक्टर, एक से अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं, एक से एक अच्छे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनका ये भी है कि डॉक्टरों ने ये कह दिया है, कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से आप डॉक्टरों से वो कर सकते हैं, रिकॉर्ड साझा होगा, ये सब कह दिया, परंतु ये स्पेशल अपने को सोच रहे हैं, परमिशन चाहते। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।